तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पहली बार ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन का जो प्रक्रिया है ललित नारायण के द्वारा वो पूरी तरह से गड़बड़ है। तो अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, शांत रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगी। तो आप सभी लोग को जगना होगा, ललित नारायण का जो व्यवस्था है और उनका रवैया है उनको जवाब देना होगा, कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ये सारी बातें बताना होगा। और आप सभी लोग को अब गुस्सा दिखाना है, लेकिन जो भी व्यवस्था है वो लॉस किसकी हो रही है, आप लोग की लॉस हो रही है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर आता है, उसके बाद भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलती है, जिनका नंबर कम आ रहा है उनको गवर्नमेंट कंस्टीट्यूशन कॉलेज मिल रहा है। तो आखिर 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 आपको क्या करना होगा, आपको ये सारी बातों को बताने आ चुका हूँ, ताकि आपको जो एडमिशन का प्रोसेस है अच्छे से हो सके। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाधनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। सतीश, तो आपको कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, किस तरह से कॉन्टेक्ट करना है, पूरा डिटेल्स आपको मेरे स्क्रीन पे एक इमेज के रूप में दिख रहा होगा। तो आप इसे रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको उतना बेनिफिट मिल सकता है। जहां पर तो आपको बिहार एजुकेशन मिनिस्ट्री का मिनिस्टर का आपका डिटेल्स होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उसके बाद बिहार का नीतीश जी का जो सीएम है उनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, फेसबुक पेज का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, ट्विटर अकाउंट का कॉन्टेक्ट नंबर होगा। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा होकर इस जगह अटैक कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और बिहार गवर्नर का भी यहाँ पर टोटल डिटेल्स होगा, सभी जगह जाकर आप मैसेज कीजिए, तो हो सके तो कुछ आपको यहाँ से रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारा काम जल्दी से जल्दी कीजिए। फिर तो अब आपको क्या करना होगा, आप लोग सोचते होंगे कि ललित नारायण वेबसाइट है, आप अकेला पड़ जाइएगा, ये पावरफुल इंसान होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सभी एकजुट हो जाएं तो ये कुछ नहीं आपको कर पाएगा, आपका जो भी प्रोसेस है अच्छी तरह से किया जाएगा, क्योंकि आप सभी पता होगा एनओयू के द्वारा कितने अच्छे से प्रोसेस किया जाता था। ललित नारायण पूरी तरह से गड़बड़ कर रही है, तो आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। आप लोगों को क्या करना होगा, पहले जो वेबसाइट में नंबर दिया गया है आप उस पर एक बार, दो बार, तीन बार कॉल कीजिए, मुझे पता नहीं रिसीव करता, मैंने भी 7 बार कॉल किया था, जाकर रिसीव किया था, तब जाकर उनसे बात हुआ था। तो आप कॉल कीजिए डेली, 10 लोग, 15 लोग डेली, 20-25 लोग डेली, उन पर कॉल जाएगा, उन पर प्रेशर पड़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। पहली बात हो गया कॉल के थ्रू, दूसरी बात है कि वेबसाइट में जीमेल का दिया हुआ है कॉन्टेक्ट, उस पर मैसेज कीजिए, भर भर के मैसेज कीजिए आप सभी लोग। फिर तीसरा है कि आप ट्विटर अकाउंट जाकर टैग कीजिए बिहार के गवर्नर को, बिहार के सीएम को, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उन सभी को टैग कीजिए, सभी भी गवर्नर पे मैसेज कीजिए, गवर्नर को जीमेल में मैसेज कीजिए, आप एप्लीकेशन डालिए। ये सभी लोग एकजुट होकर अगर करते हैं कि सर देखिए मेरा जो प्रोसेस है एडमिशन का लगभग 1 साल होने जा रहा है, नंबर अच्छा आने के बाद भी कॉलेज अलॉटेड नहीं हो रहा है, आखिर ये व्यवस्था क्या है, जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से वर्क नहीं करती है, बार बार जो वेबसाइट है वो चल जाती है, मेंटेनेंस में लॉग इन करते हैं तो एरर आ जाती है, 502 लिख के गेटवे आ जाती है, जब मैं ऑफिस में कॉल करता हूँ तो ऑफिस वाले कुछ सुनते नहीं है। तो ये सारी बातें आपको बताना होगा, अगर आप चुपचाप बैठे हुए हैं तो आपके साथ कुछ नहीं होने वाली है। तो प्लीज जाइए, सबसे पहले आपको ये सब काम करना होगा, अगर आप ये सब काम करते हैं तभी आप लोग को कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज ये सभी लोग ललित नारायण के जितने में अयोग्य हैं वो आराम से आंख बंद करके बैठे हुए हैं बस। तो बस मेरे अनुसार ये कुछ बताना था, आप लोग को टिप्स देना था, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, टिप्स अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो वीडियो पसंद करना चाहते हैं प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।